आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पीछे दिख रहे हैं मेरे जो आप देख रहे हैं पूरी नदी यहाँ पे पैक हो चुकी है और यहाँ से जाने के लिए यहाँ पे अभी जगह नहीं बची। बारिश गिरी है यार, यहाँ पे पैक हो चुका है और मैं पता चल मेरा जो पीछे यहाँ पे देख सकते हैं बारिश रोक हो रहा है। हम जाएंगे दीदी, हम जाने वाले हैं हमारी खेत की और हम आपको दिखाने वाले हमारा खेत कहाँ पे बारिश है और यहाँ बारिश वगैरह हम लेने वाले हैं। आज इसे हम जाने वाले हैं भाई, तो यहाँ पे समा कहीं चलना है भाई, धीरे धीरे चलना है भाई, एकदम धीमे धीमे, क्योंकि जो पानी दिख रहा है आपके यहाँ पे दिख रहा पानी है और अरे यार गिरने वाला था, बच गया क्योंकि नीचे गड्ढा था भाई। और अरे यार भाई खाता है हाथ में और हाथ में मोबाइल पर यार, तो यहाँ पे मैं मुझे चलना नहीं आ रहा क्योंकि देख रहा पानी था पीछे, आप देख सकते हैं कितना पानी है भाई यहाँ पे और भाई भी रहा है बहुत तरीके से, तो अपने देखो बताएंगे चलो नहीं होगी कोई बंदे पीछे से आ रहे हैं भाई, देख सकते हैं कि वो गाड़ी भी यहाँ से निकालने वाले हैं। ओए निकल गई गाड़ी, तो गाइस मेरे भाई को मैंने घर पे भेज दिया है क्योंकि भाई यहाँ पे जो बाढ़ है यहाँ पे देख सकते हैं जो पानी है यहाँ पे बढ़ रहा है, उस वजह से मैं उनको कह दिया है कि भाई आप गाड़ी लेके चले जाओ घर पे और हम जाएंगे खेत में। चलो भाई एक के बाद एक जो यहाँ पे प्रॉपर रोड पे आप पानी दिख रहे हैं, यहाँ पे एक दो नाला है हमने पीछे छोड़ रहे हैं और आगे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से यहाँ पे पूरा पूरा देख सकते हैं कि यहाँ से कहाँ तक पानी है, तो पूरा भर चुका है सड़क है और सड़क के ऊपर देख सकते हैं कि हमारे जो पेड़ है लगभग आधे आधे तो चले गए भाई, उतना तक पानी है यहाँ पे। तो हम दिखाएंगे कि आगे मैं खुद सेल्फी लेके आपको बताऊंगा भाई, सेल्फी भी फोटो आपको दिखेंगे मिल जाएंगे भाई ये यहाँ पे देखा पानी था और मेरा दोस्त है मेरे पीछे, मैं इसको आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो भाई व्लॉग है हमारा बहुत डेंजर बनने वाला है, तो मेरा दोस्त देख सकते हैं कि पीछे है और जो आगे आगे हम जा रहे हैं वैसा वैसा यहाँ पे पानी पड़ रहा है पूरे पूरे रस्ते पे, यहाँ पे जो सड़क यहाँ पे जो प्रॉपर पानी भरी हुई है और जो चलने में यहाँ पे दिक्कत हो रही है क्योंकि जो पानी है भाई यहाँ पे जो देख सकते हैं कि कहाँ तक पानी है पूरा पूरा आपकी नजर जब तक जाएगी और जो मेरे पैर है बहुत अंदर जा चुके हैं अभी जमीन के अंदर और मैं पूरा घुटने के ऊपर भी मेरा जो कपड़े हैं यहाँ पे पूरे गिले हो रहे हैं और पीछे देख सकते हैं जो मेरे साथ मेरा दोस्त है वो भी पूरा पूरा यहाँ पे गिला हो चुका है यार, कुछ तो लगाया पेड़ काटी थी शायद भाई, सच्ची में मैं बोल रहा हूँ कि इतना पानी है और जैसे आगे आगे मेरा दोस्त है आगे आगे बढ़ेगा तो भी घुटने तक उनका पानी निकल जाएगा भाई, पूरा पूरा पानी है यहाँ पे और देख सकते पूरा पूरा पैक है यहाँ पे और मैं भी जा रहा हूँ आगे देख सकते कि यहाँ पे तो काटिया पेड़ तो लग गई भाई यार गिरने वाला भाई, बजे पूरा पूरा यहाँ पे बच चुका है भाई, कट पाए तो काटी निकल चुका हूँ अभी पानी के बाहर, मेरा दोस्त देख सकती पीछे खाता मेरा उठा कर पानी देख सकते आप कितना पानी है यहाँ, तो समझाएंगे आगे क्यों तो गाइस यहाँ पे फिर से एक बार एक नाला आ चुका है भाई, तो ये यहाँ से शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लंबा नाला है यहाँ पे और ये सबसे लंबा है शायद, इसका जो पानी है जाने की जगह नहीं मिल रही है उसको, तो भाई यहाँ से आपको मैं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे चलने की वो दिक्कत हो रही है क्योंकि यहाँ पे नीचे जो है कि पूरा पूरा जो चिकल है और चिकल के अंदर हमारे पेड़ पड़ रहे हैं और यहाँ पे ढेर सारा पानी आपको दिखने को मिल रहा है फिर से एक बार, तो जाने के लिए लगभग मुझे ऐसा लग रहा है कि 5-7 मिनट तो इजी लग जाएंगे क्योंकि देख सकते हैं कहाँ तो पानी है और हमारे खेत तक हम जा सकते हैं या नहीं है, और यहाँ पे जो हमारा जो कैमरा है जो मेरे हाथ में कैमरा है तो उसकी जो बैटरी है भाई यहाँ पे वो लो से हो जा रही है, यहाँ पे इसकी 20% बाकी है, तो मैं तो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मेरा खेत कहाँ पे है और 3 किलोमीटर है हमारे घर से और किस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे दिक्कतें यहाँ पे हमें आ रही है और यहाँ पे ढेर सारा पानी है भाई, मेरा दोस्त पीछे है क्योंकि मैं गिर भी गया तो मुझे बचा लेगा, फिर वो गिर गया तो मैं उसे बचा नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में एक छाता और एक मेरे हाथ में मोबाइल है। अरे भाई यार कितना दम आ चुका है यार, यहाँ पे कितना पानी पानी है, ऊपर पानी है बहुत बहुत पानी है, अभी चलने के लिए भी हमें पूरी ताकत लगानी पड़ रही है यहाँ पे और पूरा रोड पे यहाँ पे खेतों का जो पानी है यहाँ पे पूरा सड़क पे आ चुका है, अरे यार यहाँ पे अभी पानी कम हो चुका है, पीछे दिखाना चाहता हूँ कि भाई कितना पानी है और देख सकते हैं कि हमारे जो खेत है खेत में जाने के लिए हमें कितनी दिक्कतें यहाँ पे उठानी पड़ रही है और रस्ते में जो रास्ता है रास्ता प्रॉपर पैक है पूरा यार पानी भरा हुआ है रस्तों में क्योंकि हर कुछ 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पे नदी नाले है, आप देख सकते कहाँ तक पानी है यहाँ से देख सकते कि पूरा यहाँ पे रास्ता ही दिख नहीं रहा है जैसा हमें लग रहा है कि हम नदी में है, ये पूरा पूरा रास्ता है जहाँ पे पानी दिख रहा है आपको पूरा पूरा रास्ता है और यहाँ पे देख सकते कि मेरे जो पेड़ है कहाँ तक गए हुए हैं और यहाँ पे जो मेरे कपड़े हैं यार यहाँ पे किले हो गए थे और देखने जा रहा हूँ आगे जो भाई देख सकते कितना पानी है यहाँ पे, बता सकता हूँ मैं आपको
अच्छा अभी बहुत आ रहा है ऐसे मौसम में तो बाहर निकलने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा आपने पहले वाला जो लॉक था शायद देखा होगा, तो में हम गए थे सापूतारा और घर से, तो इसी मौसम में हम निकले थे क्योंकि ऐसे मौसम में मुझे बहुत अच्छा है पीने के लिए यार, घूमने के लिए मज़ा आता है भाई। गिरने वाला बच गया भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा। पूरी तरीके से यहाँ पे पानी पानी आपको देखने को मिल रहा है, देख सकती है जो हमारा दोस्त है यहाँ पे उसको छीने की बहुत दिक्कत हो रही है। जो बारिश है यहाँ पे बारिश भी हो रही है, और जो रास्ते से हम जा रहे हैं यहाँ पे जो बेंडक है, बेंडक की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है शायद, तो आप सुन लीजिए किस तरीके से वो आवाज़ कर रहे हैं भाई इस मौसम का, बहुत मजा दे रहे हो अभी। पूरा क्लियर आवाज आ रहा है मुझे, तो आपको भी आना चाहिए यहाँ पे भाई, टॉय टॉय कर रहे हैं वो। और हम हमारी खेत के पास ही अभी लगभग आ चुके हैं, तो गाइस हम लगभग हमारे खेत पे आ ही चुके हैं। तो ये हमारे खेत के पास का जो नाला है ये काफ़ी बह रहा है, तो यहाँ पे हम पेड़ ढूंढेंगे क्योंकि हमारे पेड़ है बहुत खराब होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बह रहा है। ये हमारे खेत के पास का ही नाला है और हमारा खेत में आपको दिखाने वाला हुआ गाइस। तो मेरा भाई घर से फिर से वापस आ गया है हमारे हमें लेने के लिए, और यहाँ से हम जाने वाले हमारा जो खेत है, यहाँ पे दो जगह पे है हमारा जो खेत है, एक जो पुरा नदी है वहाँ पे है हमारा खेत, पुरा नदी की नज़दीकी खेत है हमारा, और यहाँ पे जो हमारा खेत है लगभग हमारा 10 एकड़ है, 10 एकड़ यहाँ पे है, बाकी का जो पुरा नदी के पास है हमारा जो खेत। और ये दूसरा जो नाला है हमारे खेत के पास का, यहाँ पे मेरा भाई का कहना है कि यहाँ पे ढेर सारा पानी था सुबह, अभी कम हो चुका है। हम आ चुके हैं हमारे खेत में, और हमारा खेत में आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं इन जगह पे यहाँ पे जाने वाला हूँ, और आपको बताने वाला हूँ कि आप मेरा कितना बड़ा भी खेत है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो छोटा सा यहाँ पे घर बना हुआ है हमने हमारे खेत में, और यहाँ पे कुछ हमारे मजदूर रहते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे भाई ने यहाँ पे गाड़ी लगा दी यहाँ पे, तो मैं बताने जा रहा हूँ हमारे जो कुछ जानवर है हमारे पास, तो वहाँ पे हम आ चुके हैं। तो गाइस हमारा यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे गोठा है जो गाय बकरी यहाँ पे हमारी यहाँ पे रहती है, तो यहाँ पे छोटिया भैंस गाय सब है, और यहाँ पे जो हमारे काम करने वाले हैं मजदूर, तो ये है हमारी सुखाराम जी। नहीं नहीं पैदल आवा अभी, तो यहाँ पे नहीं गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी नहीं आ रहा, गाड़ी में कम से कम इसलिए यहाँ पे हमारे छोटे दो चार रूम है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरा पूरा हरा भरा दिख रहा है, जहाँ तक आपकी नजर जाने वाली है कहाँ तक जो आपका जो कुछ दिख रहा है वो भी हमारा ये खेत के पास की खेत है यहाँ पे, वो भी हमारी है, और आगे जाके आपको दिख रहा है यहाँ पे जो हमारे जो कुआ है कुएं के पास में हमने सौर ऊर्जा का वो लगाया है, तो वहाँ तक हमने कीड़ी लगाई है, तो जहाँ तक हमारी आपकी नजर जाने वाली है वहाँ तक हमारा जो खेत है पूरा पूरा यहाँ से हमने पैक कर दिया है। बता चाहता हूँ कि जो यहाँ पे मेरा जो आपको गन्ने दिखने दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पे जो हमारा खेत है यहाँ पे दिख रहा है पूरा खेत है, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक के पूरा पूरा हमारा खेत है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो हरा भरा दिख रहा है कपास लगाई हमने पूरा पूरा यहाँ पे हमारा जो खेत है जो गन्ने खत खेत है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा है, यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो उंगली दिख रहा हूँ मैं यहाँ से यहाँ तक करीबन हमारा खेत है पूरा पूरा पैक कर, देख सकते हैं यहाँ पे जो पेड़ दिख रहा है पीछे पीछे तो वो भी हमारा यहाँ पे खेत दिखने को आपको मिलेगा। तो गाइस जो हमने पूरा नदी पास तो गए नहीं, तो यहाँ पे हम रुक गए जो हमारा खेत जो कुएं वाला, तो यहाँ पे जो पानी है यहाँ पे ढेर सारा यहाँ पे जमा हुआ है कटा हुआ है, तो इसको निकालने के लिए मेरा भाई बोल रहा था कि यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो भाई यहाँ पे देख सकते हैं मेरा भाई है पूरा पूरा पानी जमा हुआ है हमारे खेत में, तो हमारे जो पीक है यहाँ पे खराब हो सकते हैं, मेरा भाई का कहना था वो भी सकते बराबर है, तो यहाँ पे जो मेरा भाई आप देख सकते हैं पूरा खेत में पानी यहाँ पे ऐसे बाहर निकालने वाला है, तो फिर भी हम अभी कभी गए उधर जो पुराना नदी है हमारे गाँव की जो पुराना नदी है वहाँ पे हमारे कभी जाना हुआ था हम बताएंगे, जब तक हमारी फैमिली की जो चार्जिंग है यहाँ पे कमी है कभी जब चली आप तक, तो हम बताएंगे कि वहाँ पे इतना पानी है और हमारा खेत है यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हमारे खेत है। तो यहाँ पे हमारा खेत में जो पानी अटका हुआ था यहाँ पे हमने निकाल लिया है, तो निकालने की जो फोटो है मैं यहाँ पे फोटो दिखा रहा हूँ आपको, तो आपको ये जो आगे की जो वीडियो है जो बाकी हमारा जो पूरा नदी के पास की जो वीडियो है तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेंगी। जो फोटो दिख रही है आपको एक थर्ड ब्लॉग की है, थर्ड ब्लॉग जरूर देखिए, देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी फोटो खींची है, तो आप आपकी जो फोटो है थर्ड ब्लॉग की है थर्ड ब्लॉग जरूर देखिए, और बहुत अच्छे तरीके से वो बनाया है, देख सकते हैं कि वहाँ पे हम आगे गए थे तो वहाँ पे ढेर सारा पानी था, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारा आपने यहाँ पे एंजॉय किया है, तो थर्ड ब्लॉग जरूर देखिए, आप भी वीडियो देखिए एंजॉय कीजिए, तो हम मिलेंगे फिर से इसी वीडियो के साथ आगे नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।